हेलो फ्रेंड, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण बात को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जैन धर्म से रिलेटेड जो पहला वीडियो है, इसके बाद जो है दूसरा वीडियो भी आएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही परीक्षाओं में जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो जहाँ इतिहास के प्रश्न आते हैं, तो अब अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कि इतिहास की अच्छी तरह तैयारी हो जाए और कम समय में, तो आप मेरे चैनल पे जो है बने रहें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं लगातार जो हूँ इस तरह के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि सभी परीक्षाओं के लिए, और खासकर जो है बीपीएससी, जो कि 64वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा होने वाले दिसंबर में, तो उससे संबंधित जो है वीडियो जो है अपलोड किया जा रहा है और जो है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। तो इससे आपको कुछ बहुत सारे जो है हेल्प मिलेगा और आपको किताब उलटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैन धर्म, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जैन धर्म के कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण, खासकर वे दो व्यक्ति जिनसे कि प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थकर जो है, तीर्थंकर जी ने कहा है, तब वो ऋषभ देव थे। जैन धर्म में टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें कुछ खास और बहुत महत्वपूर्ण है ऋषभ देव, जो कि पहले थे अजितनाथ, बसुपूज्य, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। तो पार्श्वनाथ जो है ये आपका 23वें हैं, जबकि 24वें जो है महावीर हैं। इनके बारे में और इस वीडियो में खास तौर पर जो है आप पार्श्वनाथ और महावीर से जुड़े कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो है बात जानेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में इनसे जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बढ़ते हुए ब्राह्मणों के प्रभाव एवं वर्ण व्यवस्था की जटिलता के विरुद्ध जो है अनेक आंदोलन छिड़े गए, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म और साथ साथ बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ। तो जैन धर्म में जो कई सारे जो है जो 24 तीर्थंकर हैं, उनमें अधिकांश का जो नाम है वो उनके नाम का जो अंत में जो शब्द रहता है वो नाथ ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि कुछ तो नाम यहाँ है, इसके अलावा जो है सांबनाथ, अभिनंदन, सुमित नाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श नाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदत्त, शीतल नाथ, श्रेयांश नाथ, इसके बाद अनंत नाथ, धर्मनाथ, कुयनाथ, अरस नाथ, मल्ली नाथ, तो बहुत सारे नाम है, ठीक है। और उसके बाद है मुन्नी सुब्रत नाथ। तो ये सारे कुछ खास और महत्वपूर्ण नाम थे जो कि, तो 24 तीर्थंकर में 15 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके नाम का जो प्रत्यय है, आखिर जो प्रत्यय लगता है नाम में, यानी अंत में जो लगने वाला जो शब्द है उसमें नाथ जुड़ा हुआ है। तो याद रखेंगे इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो देखिए, पहला बात यहाँ करेंगे पार्श्वनाथ के बारे में, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। और इनके बारे में कुछ खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। और देखिए, 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ ने घर का त्याग किया, यानी गृह त्याग किया, और समय पर्वत पर जाकर इन्होंने कठोर तपस्या किया। कठोर तपस्या करने के बाद 84वें दिन जो है इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे, ये बात भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हालांकि ऋषभ देव जो संस्थापक, प्रवर्तक और प्रथम तीर्थंकर थे, लेकिन ऐतिहासिक तीर्थंकर के बात अगर पूछा जाए प्रश्न में, तो आपको याद रखना होगा कि ये पार्श्वनाथ है और उन्होंने जैन धर्म को जो सुनियोजित व्यवस्थित कर उसके ज्ञान एवं दर्शन के तत्व को वास्तविक प्रवर्तन का श्रेय भी प्राप्त इन्हीं को है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए, उन्होंने, यानी कि जो पार्श्वनाथ है, उन्होंने 70 साल तक अपने धर्म का प्रचार प्रसार जो है राजगृह, इसका वर्तमान में जो है नाम राजगीर है, जो कि बिहार में है, और साकेत, इसके बाद हस्तिनापुर, अभी जो वर्तमान दिल्ली का क्षेत्र है, कौशाम्बी, इलाहाबाद, श्रावस्ती में जो है किया है। अब देखिए, इनके अनुयायी को जो है निर्ग्रंथ कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों, इनके अनुयायियों की संख्या करीब 16,000 जो है श्रवणों की थी और 38,000 श्रवणियों की थी। तो श्रवण श्रवणियों की बात जहाँ करते हैं, 16 प्लस 38,000 की संख्या थी। अब देखिए, पार्श्वनाथ की जो है महावीर से लगभग 250 साल पहले ही इनका निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि 250 साल बाद जो है महावीर इनके बाद, मतलब पार्श्वनाथ के बाद 250 साल लग गया समय, जब महावीर एक तीर्थंकर बने जो कि 24वें तीर्थंकर हुए।
तब तक दोस्तों पार्श्वनाथ ने जो चार महाव्रतों का जो है प्रतिपादन कर दिया था, यानी कि अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह एवं अस्थे, इनमें सर्वाधिक उन्होंने अहिंसा पर बल दिया था। तो देखिए 250 साल तक जो है इसमें ब्रह्मचर्य को नहीं जोड़ा गया था, जिसे आने वाले समय में यानी कि महावीर ने जोड़ा था। अब आइए बात करते हैं अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह यानी अस्थे, यानी धर्म जैन धर्म में ये क्या क्या मायने रखते थे। देखिए अहिंसा का मतलब था जैन धर्म की सभी प्रकार के मानसिक यानी मन से, वाचिक यानी बोलने से, और कायिक यानी कार्य करने की हिंसा से बचने की बात कही गई है। यह जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है व्रत था अहिंसा, ठीक है। उसके बाद सत्य और साथ साथ सत्य और अमृता था, इसमें सदा सत्य बोलने के लिए और मधुर बोलने की बात कही गई थी। उसके बाद देखिए अपरिग्रह के बारे में आप तो जानते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी अपरिग्रह था, असत्य अहिंसा से रिलेटेड। तो खैर यहाँ देखिए अपरिग्रह जो है इसमें सब प्रकार के संपत्ति अर्जन से भिक्षुओं को बचने की बात कही, यानी कि भिक्षु लोग को संपत्ति अर्जन करना नहीं था, जो कि जैन धर्म को मानते थे। अब देखिए अस्ते इसमें अनुमति के बिना किसी की दूसरे की संपत्ति ग्रहण करने से बचने की बात कही, यानी मान लीजिए कोई संपत्ति रखा हुआ है तो पूछकर ही लेने की बात था, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों पार्श्वनाथ ने काया क्लेश एवं तपश्चर्या से ही मोक्ष प्राप्ति की बात कही थी, यानी कि पार्श्वनाथ का कहना था कि काया क्लेश जो यानी अपने शरीर को मतलब इतना तपस्या करे कि उनका शरीर जो गल जाए, ठीक है, इस तरह से, और तो मोक्ष तभी मिलेगा। और उन्होंने भिक्षुओं को जो है श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया था, जबकि 250 साल बाद जो महावीर जब आए तो वे उनका मानना था कि जो है श्वेत वस्त्र न पहने, ठीक है, और वे महावीर जो है नग्न रहने की बात करते थे। तो 250 साल में इतना जो है फर्क पड़ा। अब देखिए केसी जो है पार्श्व के प्रमुख समर्थकों में से थे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए यहाँ पर महावीर के बारे में हम लोग बात करेंगे बहुत जल्दी जल्दी में। देखिए महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जो है महावीर स्वामी थे। देखिए पार्श्वनाथ ऐतिहासिक संस्थापकों में थे पहले, जबकि वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली, जो कि बिहार में स्थित है, में हुआ था। ये क्षत्रिय और जाति के ज्ञात्रिक थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। देखिए यहाँ सिद्धार्थ इनके महावीर स्वामी के पिता का नाम था, लेकिन वहाँ बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। अब देखिए माता का नाम जो है त्रिशला, जिनको विदेहता भी कहा जाता था, और वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन था। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि त्रिशला या कौन थी या विदेहता कौन थी, तो ये वैशाली के प्रमुख जो थे चेटक, उनकी बहन थी। अब उसके बाद देखिए महावीर का विवाह कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोधा से हुआ था, ठीक है। तो यशोधा से हुआ था और बाद में उनसे एक पुत्री का जन्म हुआ, जिनका नाम अनुजा प्रियदर्शनी जो है रखा गया था। पिता मतलब जाहिर सी बात है, और उनका शादी जो है जमाली नामक एक क्षत्रिय से हुआ था। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में जो है अपने बड़े भाई नंदी वर्धन की आज्ञा लेकर जो है घर को त्याग दिया, ठीक है। और घर त्यागने के बाद जो है स्वामी जो है सन्यासी हो गए, और 13 महीने के बाद महावीर पूर्णतः वस्त्र त्याग कर नग्न रहने लगे। यानी कि जब अगर भगवान बुद्ध की बात की जाए, गौतम बुद्ध की, तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया था, जबकि महावीर स्वामी जो है उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में भाई से पूछकर, जो इनका नाम नंदी वर्धन था, घर को त्यागा था और वे सन्यासी हो गया। हालांकि 13 महीने के बाद से ही उन्होंने वस्त्र का जो है त्याग कर नंगे रहने लगे। 12 वर्ष तक जो है उन्होंने लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद जो है 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जो जुम्बिक ग्राम के समीप, और एक नदी था ऋजुपालिका नदी, तो ऋजुपालिका नदी किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे जो कैवल्य जिसको जो है ज्ञान कहा जाता है की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर मैं करना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म में जो है नदी है वो निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी कहा जाता है, जबकि और वह स्थान बोधगया कला है। अब देखिए यहाँ पर पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि यहाँ पर जो है महावीर को साल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और ये नदी है ऋजुपालिका नदी। देखिए कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जो है क्या क्या कहा गया है, तो उनको तो बुद्ध कहा गया था, इन्हें जो है कैवलिन कहा गया, जिन कहा गया, जिसे विजेता कहते हैं, अर
अर्हा कहा गया, जिनको योग्य कहा गया, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ जो कि जिसका अर्थ होता है बंधन रहित, जैसी जो है उपाधियां दी गई। अब देखिए ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जो है महावीर स्वामी ने चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगिरी, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्भ, मगध आदि स्थानों का भ्रमण कर जो है जैन मत का जो है प्रचार प्रसार किया। तो सभी ने इस तरह काम किया है। तो दोस्तों देखिए चंपा की राजकुमारी चंदना, ठीक है, जिन्होंने वे जो है जैन धर्म की प्रथम भिक्षुनी बनी थी, जो कि बहुत बड़ी बात है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए 30 वर्ष तक लगातार जो है जैन मत का प्रचार करने के बाद 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में राजगिरी के समीप स्थित पावा, पावापुरी वर्तमान में नाम है इसका, पावापुरी नामक स्थान पर जो है उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। अपने पूर्वगामी तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में महावीर ने जो है 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, जिसमें भिक्षुओं को पूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने की बात कही गई थी। देखिए दोस्तों जब पावापुर में इनका निर्वाण की प्राप्ति हुई तो वहाँ के राजा मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में ऐसा हुआ था, महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध भी जो है मल्लों के ही द्वारा जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया था। दोनों में एक ये बात की समानता है कि मल्ल राजा यहाँ भी है और वहाँ कुशीनारा भी मल्ल राजा ही थे, ठीक है, कॉमन बात है यहाँ पर। अब तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया जैन धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ासकर पार्श्वनाथ, इसके अलावा महावीर के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में कई बार इनसे पूछा भी गया है। दोस्तों यहाँ देखिए प्रथम जैन तीर्थकर और एवं उनके जो पद प्रतीक चिन्ह थे, इसके अलावा जो प्रमुख जैन तीर्थकर, क्षमा करेंगे, देखिए तो ऋषभ देव जो कि प्रथम जैन तीर्थकर थे उनका प्रतीक चिन्ह सांड था, अजितनाथ जो कि द्वितीय थे उनका हाथी था, शंभ तृतीय जिनका घोड़ा था, सम पार्श्व का स्वास्तिक और कुछ खास और महत्वपूर्ण जैसे पार्श्वनाथ जो थे 23वें उनका सर्प था, और महावीर 24वें तीर्थकर था, उनका जो है प्रतीक चिन्ह जो है सिंह था। तो ये कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दो जैन तीर्थंकरों जैसे ऋषभदेव और अरष्टी नेमी के नामों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। अरष्टी नेमी को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी भी माना जाता है। तो ये कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। अगर वीडियो कैसा लगा वो मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बोलें, और अगर आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे तो जाहिर सी बात आपको इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वीडियो जो रेगुलर आएगा तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, खासकर जो 64वीं BPSC की तैयारी करने वाले या इतिहास के जो तैयारी करना चाहते हैं उन्हें जरूर आप इस वीडियो के बारे में बताएं और इस चैनल के बारे में। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।